अब तक तो मेरे घर भी जा पहुंचे होंगे। तुम देखना चाहते हो कि घर में तुम्हारे साथी क्या कर रहे हैं? लेकिन आप क्यों दिखाएंगे? कर्मफल का निर्णय सुनाने के पहले जीवात्मा को उसके कर्मों की प्रतीति कराना आवश्यक है। तो आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था? हम केवल जीवात्मा को वास्तविकता से परिचय कराते, सही और गलत का निर्णय वो स्वयं करे। ये तो नई बात है, कब से ऐसा करना शुरू किया आप लोगों ने? ये तो प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। अच्छा, तो काफी पुरानी प्रक्रिया है ये। तो क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? नहीं, तो उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं कर सकते। देखो, आपने उसे बोली क्यों मारी सरदार? उसी के सहारे तो हमने यहाँ तबाही मचाई थी, खून खराबा किया था, दंगे फसाद किए थे। उसे नहीं मारता तो पकड़ा जाता और हम फंस जाते। लेकिन अब तो मारा गया, अब हम क्या करें? हम सरहद पार करके चले जाएंगे आज रात को। हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। वहां जाकर रिपोर्ट करें तो हमारे अफसर बहुत खुश होंगे। खुश तो होना ही चाहिए, हमने क्या कम हासिल किया पंजाब से लेकर बंगाल तक। लेकिन हमारा एक काम रह गया मियां। वो क्या? हमने जो मुहिम सर की थी उसकी निशानी छोड़ जाएंगे। निशानी? हाँ, वही निशानी जिसे हम सदियों से। देखिए देखिए देखिए, वो आ रही है, वो आ रही है, हमारे लिए खाना लेकर आ रही है। आज के रात से तुम दरवाजा बंद कर देना। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? रोकिए रोकिए उन दलितों को। क्यों? तुम्हारे देखना नहीं? चंद मिनटों के लिए नीचे जाने दीजिए, मेरे प्राणों को शरीर में वापस लौटा दीजिए। लोगों की हत्या करते समय तुम्हें ध्यान में नहीं आया कि तुम भी किसी की पत्नी पुत्रों को मार रहे हो? मैंने स्त्री पुरुषों को, बच्चों बूढ़ों को जरूर मारा है, पर मैंने कभी किसी स्त्री से बलात्कार नहीं किया। मैंने दुकानें लूटी, बैंक लूटे, पर मैंने कभी किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी। तुम भरत खंड के थे, इसलिए तुम में इतने संस्कार तो थे। मेरी सहायता कीजिए ना। लेकिन अब क्या हो सकता है? वे दोनों तो अपना कुकृत्य करके कब के चले गए सीमा पार। नहीं 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 नहीं,
तुम्हारे हाथों से लहू का रंग छूटे तब पुनर्जन्म लेना। जाओ तुम। प्रभु प्रभु क्षमा क्षमा प्रभु। कोई क्षमा नहीं, अति शीघ्र जाओ। प्रभु क्षमा प्रभु क्षमा। शांत प्रभु शांत। तुम्हारी पुकार उन्हें सुनाई नहीं दी? क्यों नहीं सुनाई दी, लेकिन अंशु ने
आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। हत्या? किसने हत्या की? देखो, जब तुमने बाहर निकालने के लिए पुकारा तब यह आत्महत्या नहीं रही, उन्होंने तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी, ये हत्या। अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसका दंड विधान ही बदल जाएगा। क्या दंड मिलेगा? तुम्हें पितृलोक में रहना होगा और उसके बाद दूसरा जन्म लेना होगा। और मैं प्रभु? तुम्हारा कोई पुत्र नहीं, अब इसलिए तुम पुत्र नरक में जाओ, वहाँ का दंड भुगतने के बाद तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा। क्या हम लोग यहाँ एक साथ नहीं रह सकते? नहीं, दंड भुगतते भुगतते तुम्हारी आत्माएं छठ वर्ग में विलीन हो जाएंगी, सारा संबंध वहीं विलीन हो जाएगा। अगले जन्म में यही मेरे पति बनेंगे ना? यह आवश्यक नहीं कि तुम अगले जन्म में भी पत्नी ही बनी रहो, तुम किसी का पति, हाँ तुम पति ही बनोगी और ग्रामीण समाज में नई जागृति पैदा करोगी। और हम प्रभु, मैं क्या करूंगा वहां पे जाके? तुम स्त्री बनकर समाज सुधारक बनोगे, बहु पत्नित्व और बहु संतान की यंत्रणा से स्त्रियों को मुक्ति दिलाओगे, उनकी बेटी बनकर उन्हें शिक्षित करोगे और नई जागृति पैदा करोगे। प्रभु, ये समाज सुधार का काम हम दोनों को ही क्यों सौंप रहे महाराज? तुम्हारे पुनर्जन्म का यही लक्ष्य बनाने के लिए यहाँ ये दंड दिया जा रहा है। प्रभु, अपने बेटे को रास्ते का भिखारी नहीं बना सकता, मैं नरक में ही रहूंगा। तुम महापापी ही नहीं, महापाप की भी हो, करोड़ों वर्षों तक नरक में तपते रहो, चलते रहो। तुम्हारे बेटों द्वारा तुम्हारे सदगति के लिए किए गए सभी कार्य फलीभूत ना हो, तुम्हें मनुष्य योनि ना मिले और कीड़े की योनि मिलती रहे और मिलती ही रहे। चित्रगुप्त, इसे तुरंत महारौरव नरक में धकेल दो। चलो तुम। और लोग वो चली गई है पीछे। अति शीघ्र जाओ। ठीक है, ठीक है। शांत प्रभु। ये मैं कहाँ आ गया? और आप लोग कौन हैं? इतना चौंक क्यों रहे? ये यमधर्मराज और मैं चित्रगुप्त। यहाँ तुम्हारे कर्म फल का निर्णय होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं जीवन भर नास्तिक रहा हूँ, मुझ पर आप लोगों का जुरिस्डिक्शन नहीं है। प्रत्येक मरने वाले की जीवात्मा हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है। लेकिन मैं तो नास्तिक हूँ, मैंने कभी भी देवी देवताओं को रिकॉग्नाइज नहीं किया। मरने के बाद उनकी आत्मा यहाँ आती है। ओहो, क्या ये मेरा शरीर नहीं है? तुम्हारे शरीर को उन्होंने अग्नि को सौंप दिया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे शरीर का दाह संस्कार न करे, कोई श्राद्ध करना करे। तुम्हें सदगत गिराने के लिए उन्होंने तुम्हारे शरीर को जलाकर अंत्येष्ट कर और तुम्हारे फूल को त्रिवेणी संगम पर फेंका भी। What? Stupid, मूर्ख लोग। मैं जीवन भर नास्तिक रहा, देवी देवताओं को ढकोसला कहता रहा, रीति रिवाजों को रूढ़िवादियों के हाथों शोषण का बहाना करा दिया। पुराण पुरुषों जिनके हेड में विद्वता ने रिश्वत भरी है और उन्हें रिश्वत खाना मिठाई खाने के बराबर लगता है और हमें खिलानी पड़ती है। और तो और यही बात नहीं डॉक्टर साहब, महाराज एक और हथकंडा भी है, जब किसी पुस्तक की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तब उसका हमें जाली संस्करण भी निकालना पड़ता है। सभी स्थितियों में लेखक तो अपनी असली रॉयल्टी से वंचित हो ही जाता है। भारतवर्ष के लेखकों की स्थिति बहुत दयनीय है, उनका धन हड़प कर तुमने जघन्य। दोबारा सोचिए। नहीं महाराज, आप मुझे कोई भी दंड दे दे, कोई भी सजा दे दे, लेकिन हमारे देश के लोग सुधरने वाले नहीं है, कृपया करके मुझे कड़ा दंड ना दे प्रभु। इसे तुरंत रसातल में भेज दो, वहां ये पडवाग्नि में तब तक तपता रहे जब तक इससे आवृत अंधकार दूर ना हो जाए और इससे कीड़े की योनि प्राप्त हो। अपनी ही प्रकाशित पुस्तकों का कीड़ा 1,000 वर्षों तक। हमारी न्यायपालिका में तो इतनी बड़ी सजा भी नहीं मिलती, वहां अपील करते करते अर्जन करते करते हम छूट भी जाते हैं। यहाँ कोई अपील नहीं, कोई स्थगन नहीं, परंतु ये कभी सजा
शीघ्र जाओ। ये कौन है? ये अपना सिर इधर उधर क्यों फेर रहा है? कौन है ये सिर फेरा? प्रभु, ये भ्रष्टाचार का मानव रूप था। लोगों ने इसका नाम भ्रष्टाचार रख दिया था। ये रोज नए नए तरीके निकालता था भ्रष्टाचार करने के। अपने विरोधियों के लिए तो महाबली बन गया था। आ गया वो जीवात्मा। आप जरूर यम धर्मराज होंगे। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। पांव पड़ता हूं। दूर खड़े हो, दूर खड़े हो। क्यों महाराज? चित्रगुप्त प्रभु जैसे लोगों में से हैं जो उंगली पकड़कर पूरा हाथ निकल जाते हैं, पांव पकड़कर टांग खींचना भी सब स्वभाव है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या ये राजनेता है? आपने ठीक पहचाना प्रभु। अपना काम निकालने के लिए ये किसी के भी पांव पकड़ लेता है। और ये निर्दोष कुमार अपनी नेतागिरी की केंचुली नहीं छोड़ेगा। प्रभु इस समय मर्त्यलोक में कोई नाटककार एक नाटक की रचना कर रहा है। उसकी भूमिका का दर्शन इसे करा दे, क्योंकि उस नाटक के खलनायक की भूमिका इससे सादृश्यता रखती है। इतना संस्कार है इस जीवात्मा में? कदाचित नहीं, किंतु इसको कम से कम नाटक का दर्शक बनाकर देखें। महाराज मैं तो राजनीति के मंच पर बहुत बड़ा नेता अभिनेता था। ये नाटक क्या चीज है? तुम्हारी नेतागिरी अभिनेतागिरी वैतरणी के पानी में धुल गई। चुपचाप ये नाटक देखो और समझो। जी महाराज। यही मित्र है और आपकी सेना उनसे ही लड़ गई है। ये बात हमें जरा विलंब से विदित हुई है। मैंने कहा ये सब सेनानी पुष्यमित्र के दृष्टिदार है। आपको मगध सम्राट भरद्वाज को धिक्कारने की दृष्टिदार? बहुत ही उद्यत हो गया। उसे नियंत्रण में नहीं रख सकते। मगध सम्राट क्या इतने दुर्बल हो गए हैं? सारी सेना अब उसके नियंत्रण में। मगध साम्राज्य की रक्षा के बहाने उसने सारी सेना को अपने वश में कर लिया है। आप अन्यथा न माने तो आपको एक सुझाव दूं। क्या? यदि आप सहमत हो तो मैं यमुनाधिपति दिमित्रस को संघाराम के भिक्षुओं द्वारा संदेश भेज सकती हूँ। संदेश? कैसा संदेश? यही कि आपकी सहायता करें। वह कैसे कर सकते हैं मेरी सहायता? सेनानी पुष्यमित्र की हत्या करें। उसकी हत्या कैसे करेंगे? उनके अपने ही ढंग के उपाय हैं, किंतु आपको इस काम में हाथ बटाना होगा। सत्या में मेरे हाथ होने का पता नहीं लगना चाहिए। उससे पहले मैंने जो काम किया तुम उससे सुनो। आपने भी कुछ किया है? क्या किया है? तुम पुष्यमित्र के पुत्र अग्नि मित्र को तो जानती हो ना? हाँ, राजसभा में पुष्यमित्र के साथ देखा है। मैंने उसका अपहरण करा लिया है। क्या? हाँ। कैसे कराया? यहाँ तो सबके सब सेनानी के ही चर है। मैंने चरों की सहायता नहीं ली। कारागार में कई दस्यु हमारी सेना बड़े उत्साह के साथ आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। कम से कम सेना नायक से मिल तो लीजिए। ठीक है, उन्हें ही बुलवाएं। आपकी कृपा के लिए आभारी हूं सम्राट। अग्निमित्र को भीतर भेज दो। अग्निमित्र? क्या वाकई तुमने यवन सेना को मगध से बाहर खदेड़ दिया? मगध के बाहर नहीं तो पंच नद के उस पार। अच्छा, तुम्हारी यह विजय गाथा इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। यवन सेना का इस प्रकार पराजित होकर जाना बहुत बड़ी बात है। पहली बार नहीं सम्राट, यह दूसरी बार है। बहुत पहले यवन राज सेलुकस को पराजित करके आपके पूर्वज सम्राट चंद्रगुप्त ने विजय दुमदुमी बजाई थी। आहा, स्मरण आया। तुम तो सम्राट चंद्रगुप्त के समकक्ष। पुनः तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ सम्राट। जब यवन राज दिमित्रस से युद्ध करने के पहले मैंने आपसे आदेश नहीं लिया,
क्षमा प्रार्थी हूँ। तुमने ऐसा करके सम्राट की अवहेलना की। ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब यवन सेना पाटलिपुत्र के द्वार तक आई तब आप उपलब्ध नहीं थे। इसका क्या अर्थ है? अत्युक्ति के लिए क्षमा करें, आप भी संतापुर से बाहर आए ही नहीं। मैंने बहुत मैंने भी बहुत काम किया है बट